मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर कुमार धाड़ा, लैमिना रिसर्च सेंटर एंड फ्यूना हर्बल। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम था मेरा, लेकिन आप लोग इस ड्रीम को इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया, जोश जुनून के साथ इसके साथ इतना काम करके दिखाया। आज ये जो ड्रीम है, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क मेकिंग दिस ड्रीम ट्रू। सो आज दुनिया वाला देख पा रहा है ये दो ऑर्गेनाइजेशन को। जब इस ऑर्गेनाइजेशन मैंने शुरू किया था, तब मन में एक सोच था। जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, मेरा एक सोच था, मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जो सबके लिए हो सकता है, सबके लिए काम कर सकता है। मेरा जो शुरुआती था, बेसिकली मैं गांव से बड़ा हुआ हूँ। मेरा स्कूल था सेंट जेवियर स्कूल। मेरा जो पापा है, बेसिकली ही इज अ इंजीनियर। मेरा जो मॉम था, बेसिकली एक स्कूल टीचर था, लेकिन उसको स्कूल छोड़ना पड़ा फैमिली के लिए। दादाजी फ्रीडम फाइटर, तो बेसिकली इसके कारण घर में फ्लैग होस्टिंग, 23 जनवरी, 26 जनवरी, नेशनल एंथम, नेशनल प्रोग्राम, ये सब कुछ हम लोगों को सालों में करना पड़ता था। तो इसके लिए देश के बारे में बात करना, समाज के बारे में बात करना, ये घर में एक रिवाज था। जो दादाजी था, बेसिकली वो आयुर्वेदिक होम्योपैथी इसके ऊपर काम करते थे। तो बेसिकली घर में एवरी सुबह काफ़ी सारा पेशेंट आते थे, उसको हम लोग दवाई देते थे, उसका क्या तकलीफ है उसके बारे में हम लोग जानते थे। तो ये सब करते करते जो मेटेरिया मेडिका है होम्योपैथी का, ये मेरे को ऐसे ही पता चल गया। तो गांव का जो एजुकेशन है उसको ख़त्म करने के बाद मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया, LLB किया। LLB करने का टाइम मैंने काफ़ी सारा एजुकेशन और भी लिया। जैसे उस टाइम में मेरे को कोई सोचते थे समीर शायद एक आर्टिस्ट बनेगा, कोई सोचते थे शायद समीर एक राइटर बनेगा, लेकिन मेरा मन में था मैंने एक ऐसे कुछ अलग से कुछ करूँगा जो सबके लिए सबका अच्छा हो सकता है। तो उसी मन में लेकर मैंने कोर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो मैंने क्या किया, MBA में ज्वाइन हुआ। MBA करने के बाद मैंने PhD करने के लिए बॉम्बे से मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन 3 साल चलने के बाद बंद हो गया, क्योंकि उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में मेरे को काफ़ी नॉलेज कम था। तो मैंने क्या किया, नौकरी ज्वाइन किया अभिभा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। मैंने एज ए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मैंने ज्वाइन हुआ। वहाँ से मैनेजमेंट के बारे में, HR पॉलिसी के बारे में मेरे को काफ़ी सारा नॉलेज मिला। इसके बाद मैंने SBI में ज्वाइन हुआ। SBI में मैंने भी काफ़ी सारा चीज़ सीखा, और उस चीज़ सीखने के बाद मेरे को लगा अभी ये मौका है जिस चीज़ के लिए मेरा इंतज़ार था। तो 2013 में मैंने लैमिना रिसर्च सेंटर का ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत किया। जब मैंने लैमिना रिसर्च सेंटर को शुरू किया, तब काफ़ी सारा आयुर्वेदिक, काफ़ी सारा हर्बल प्रोडक्ट के बारे में मेरे को काफ़ी सारा नॉलेज मिलना पड़ा। उसी नॉलेज के दौरान मेरे को मौका मिला इंटरनेशनल ट्रिप जाने का। तो इंटरनेशनल ट्रिप जो मैंने गया, उसमें ताइवान था, उसमें दुबई जर्मनी भी था, उसमें मैनचेस्टर भी था, उसमें अमेरिका का नेशविल भी था। तो इसके कारण मेरे को काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारा डॉक्टर, काफ़ी सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को नॉलेज मिला। उसी नॉलेज लेकर मैंने इंडिया में वापस आया, और इंडिया में आकर ए लैमिना रिसर्च सेंटर को मैंने ओपन किया। और 2015 में मैंने एक लिम्का बुक और रिकॉर्ड भी बनाया। इस कंपनी का एक प्रोडक्ट था मोरिंगा प्रोडक्ट्स, उस मोरिंगा प्रोडक्ट लेकर मेरा खुद गाड़ी लेकर मैंने पूरा भारत का जितने सारा स्टेट है उस स्टेट में मैंने गाड़ी लेकर गया, उसको सेल किया, लोगों को इसके बारे में बताया। इसके कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरा हासिल हुआ। और 2015 के बाद 2016 में जर्मनी BID सर्टिफिकेट कंपनी को मिला एज ए क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए। मतलब लैमिना रिसर्च सेंटर जो प्रोडक्ट आज का दिन में बना रहा है, उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एक इंटरनेशनल क्वालिटी है। इसके बाद 2019 में कंपनी को और भी एक अवार्ड मिला, जो कि टाइम्स इंडिया अवार्ड, वो भी कलकत्ता का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है एज ए मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, वो फ्यूना हर्बल को मिला, लैमिना रिसर्च सेंटर को मिला। लैमिना रिसर्च सेंटर में करीब से करीब 1 लाख लोग आज का दिन में काम करता है। करीब से करीब 20,000 स्क्वायर फीट का कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है।
और नियर अबाउट 1500 टाइप का प्रोडक्ट कंपनी बना सकते हैं, उसका वो ताकत है। अभी फियोना हर्बल के पास 750 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे फियोना हर्बल एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो लैमिनर रिसर्च का करीब से करीब 60% प्रोडक्ट यूज कर लेता है, बाकी जो 40% प्रोडक्ट है वो चला जाता है और भी 750 ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो आप सोच सकते हो पूरा भारत में लैमिनर रिसर्च सेंटर का प्रोडक्ट आज पहुंचता है और पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड इस प्रोडक्ट को लेकर। लैमिनर रिसर्च सेंटर के पास जो प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशनल ड्रिंक जूस है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स है, तो काफ़ी सारा नया नया प्रोडक्ट कंपनी आगे और भी लेकर आ रहा है। पूरा भारत में आज 1,00,000 लोग लैमिनर के साथ जुड़ा हुआ है और करीब से करीब 1000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पूरा भारतवर्ष में है। मतलब वहाँ से प्रोडक्ट लोग लेकर जाता है, उसको सर्विस मिलता है। ये जो बिजनेस, ये जो सर्विस ओनली पॉसिबल जो कंपनी ने कर पाया, आप लोग इसको विश्वास किया, इसको भरोसा किया, आप इसके साथ हर दिन काम करके ये जो सक्सेस, ये जो कामयाबी, ये जो सर्टिफिकेट, ये जो रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स कंपनी को मिला, इसका जो असली हकदार है वो बेसिकली आप लोग ही है, क्योंकि आप लोग का मेहनत कंपनी को इतना बड़ा करके दिखाया। कंपनी के साथ एक अच्छा मैनेजमेंट टीम भी है जो कि हर तरीके से कंपनी के पीछे से काम कर रहा है। जैसे मिस्टर सिंह मार्केटिंग का पायनियर है, मार्केटिंग रिसर्च इसके ऊपर काम करता है। टीना मैडम बेसिकली प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट, नया नया प्रोडक्ट उसका रिसर्च, उसका पूरा टीम लेकर काम करता है। इसके साथ साथ 100 ऑफ पीपल जो लैमिनेशन सेंटर के साथ एवरी टाइम काम कर रहा है और वो प्रोडक्ट को लेकर, रिसर्च को लेकर इतना अच्छा एक फॉर्मूलेशन बनाने के लिए सोच रहा है जो आगे वाला दिन में आपको और भी इस प्रोडक्ट और भी आपको रिजल्ट देगा। तो आज का दिन में कंपनी के पास न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट जूस प्रोटीन काफ़ी सारा ड्रॉप्स भी है जो आप लोगों को आपका जो हेल्थ है, आपका जो मतलब चैलेंजेस है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। जो जितने सारे प्रोडक्ट कंपनी के पास है, आने वाला दिन में कंपनी और भी प्रोडक्ट लेकर आ रहा है जो प्रोडक्ट आपका और भी तकलीफ जो भी चैलेंजेस है उसके ऊपर काम करेगा। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप अगर इस कंपनी को प्यार नहीं देंगे तो इस कंपनी इतना बड़ा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आने वाला दिन में आप जिस तरीके से कंपनी के ऊपर विश्वास करता है, भरोसा करता है, कंपनी भी आपको उस भरोसा का लायक बनाकर दिखाएगा। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।